हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं टॉर्टिया रैप। तो अभी मम्मी ने मेरे को वेजीज काट कर दी थी और मैंने उसे ऑयल में डाल दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो आज देखते हैं कि मैं कैसा कुक करता हूँ। तो चलो आप भी बताना मैं कैसा कुक करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर वेजीज ऑयल में डाल दिए हैं और जैसे थोड़ी सी सिमर करने लगे हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग्स और फिर इसके बाद हम करेंगे इसे स्टेयर। फिर हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स थोड़े से give it a nice mix and then add some pasta sauce, one spoon, and then again mix it well. अब हम चलते हैं टॉर्टिया रैप की तैयारी करने। तो फ्रेंड्स, अब हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम गैस का नॉब बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं अपना टॉर्टिया रैप और इसके लिए मैंने लिया है बीटरूट वाला आटा। वैसे तो मार्केट में मैदे के भी मिलते हैं रेडीमेड, पर मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपना टॉर्टिया रैप बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा सेकेंगे, उसके बाद इसमें फिलिंग डालेंगे। तो अब हमारी एक साइड सेककर पूरी तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। मम्मी पसीने आ रहे हैं, ये अच्छा है। आप कैसे करते हो? तो अभी मैंने लास्ट में थोड़ा सा पनीर डाल लिया अपनी फिलिंग में। तो ये कलरफुल वेजिटेबल्स कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम इसे डालेंगे अपने टॉर्टिया रैप में। तो ये हमारा टॉर्टिया रैप पूरा तैयार है। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी पास्ता सॉस, पूरा स्प्रेड कर देंगे अभी हम इसे गोल 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 गोल
बिल्कुल 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 फिर हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। इन सबको स्प्रेड कर फिर हम डालेंगे अपनी वेजीज। तो आर टॉर्टियर ऐप इज रेडी टू ईट और अब मैं इसे खाने जा रहा हूँ। तो आप इसे किसी भी सॉस या डिप के साथ खा सकते हैं। तो ये अब हमारा टॉर्टियर ऐप रेडी हो चुका है और अब हम इसे वो 2 मिनट के लिए सेक लेंगे।